हेलो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आज हमारे हो चुके हैं टोटल 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। आप सभी का प्यार इसी तरह से बना रहे, वीडियो को देखते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए, क्योंकि अभी तो बहुत सारी लंबी पारी खेलनी है। तो अपना प्यार बनाए रखिए, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए, जैसे भी करिए थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। इसीलिए आज 500 सब्सक्राइबर्स स्पेशल वाली वीडियो आज आपके लिए लेके आया हूँ। लास्ट में एक अनाउंसमेंट भी है, तो उसको मिस मत करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको वो अनाउंसमेंट भी मालूम चल जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी M51 का फुल डिटेल रिव्यू 2021 में। क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, क्या आपको अपने 23 से 24 हज़ार रुपये इस फ़ोन पर खर्च करने चाहिए या फिर नहीं, सारी की सारी चीज़ों को मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं, इस फ़ोन का रिव्यू शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा और भी शेयर कर दीजिए, और नए हैं आप अगर हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, ताकि आप भी अपना पैसा बर्बाद होने से बचाते रहें। तो मैं आपको बता देता हूं कि बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। सबसे पहला तो आपको फ़ोन मिलता है, फिर उसके बाद एक 25 वाट का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, और बाकी आपको सिनेमा इजेक्टर टूल भी देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको कोई भी केस देखने को नहीं मिलता है। तो आप अपना देख लीजिएगा, फ़ोन लेने के बाद आपको अलग से केस खरीदना पड़ेगा अगर आप चाहते हो तो। बात करते हैं फ़ोन के लुक्स की। आपको यहाँ पर सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, टाइप सी के चार्जिंग का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है, और इसमें यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक भी देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको साइड में, राइट साइड में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि उतना अच्छा काम नहीं करता है। मतलब मुझे कभी कभी प्रॉब्लम हुई, जैसे आप देखोगे तो अगर आपकी पोजिशनिंग सही नहीं है तो ये ओपन नहीं होता है, कभी कभी लैग भी कर जाता है। बाकी इसका जो वॉल्यूम रॉकर है ये आपको सीधे फिंगरप्रिंट स्कैनर के थोड़ा सा ऊपर मिल जाता है। बाकी लुक्स के मामले में फ़ोन सही है, उतना अच्छा नहीं कहूँगा मैं। अगर रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको 10 out of 8 की रेटिंग दे सकता हूँ इसके डिज़ाइन को। बाकी इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसकी साइज़ 6.7 इंचेस की, और सुपर एमोलेड है तो आपको स्क्रीन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। बाकी अगर आप यूज़ करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या डिफरेंस है IPS LCD में और सुपर एमोलेड डिस्प्ले में। बाकी इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। ये मेरे पास 6GB 128GB वेरियंट है। जब भी मैंने फ़ोन को लिया हुआ था तभी एक अपडेट आया, मतलब जैसे ही फ़ोन को बूट करोगे आप तो आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 11 का। अभी ये फ़ोन अभी इस टाइम पे एंड्रॉयड 11 पर काम कर रहा है, और इसकी जो UI है ये है 3.1 की। एंड्रॉयड वर्जन आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है। और अगर मैं इसके सिक्योरिटी अपडेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1 मार्च 2021 का सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ, स्टोरेज मुझे इसमें 6GB 128GB वेरिएंट मैंने इसको लिया है, और ये मुझे लगभग पड़ गया था 23,000 के आसपास। और अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन को लेने की, तो आप ले सकते हो या फिर नहीं, सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आप सैमसंग लवर हो डेफ़िनेटली आप इस फ़ोन को ले सकते हो, काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूँ तो सबसे पहले इसको लेने का मेरा रीज़न ये था, इस फ़ोन को अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। रीज़न ये है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 730G मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे से काम भी करता है और इस फ़ोन के एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है इसकी क्लॉक स्पीड है 2.21 GHz की, और इसमें आपको देखोगे तो आपको कई सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। आपको एक चीज़ इसमें मुझे कम देखने को मिली है, वो है स्क्रीन डेंसिटी, यानी कि मतलब उतना डेंस इसमें आपको स्क्रीन नहीं मिलेगी। भले ही आपको इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिली है, लेकिन डेंसिटी के मामले में थोड़ा सा कम है। वो चीज़ आपको फील होगी अगर आपने दूसरे एमोलेड स्क्रीन वाले फ़ोन्स को यूज़ किया हुआ है, तो आपको इस फ़ोन में थोड़ा सा वो डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूँ हीटिंग इशू की, तो जैसे ही फ़ोन चार्ज होता है, मतलब अगर आप चार्ज पे लगाते हो फ़ोन को, तो हीटिंग इश्यूज़ डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर आप यूज़ करते हो, मतलब अगर मैं इसको बताऊं आपको, मैं इसको चार्ज होने में लगभग 2 से 2.5 घंटे कम्प्लीटली चार्ज होने में लग जाते हैं, और अगर आप इतना चार्ज कर देते हो, एक बार इसको चार्ज करते हो, तो पूरे दिन आप कंटिन्यूसली, चाहे आप वीडियोज़ देखो, चाहे आप इंटरनेट यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, पूरे दिन लॉन्ग लास्टिंग बैटरी इसकी चलती है। बैटरी इसमें आपको 7000 mAh की मिलती है, और इसमें चार्जर जो मिलता है वो मिलता है आपको 25 वाट का, और
इतना फास्ट चार्जर नहीं है, लेकिन ठीक है, इस हिसाब से बैटरी के हिसाब से काफ़ी सही चार्जर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चार्ज होने में। इस टाइम पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मतलब लगभग 1.5-2 घंटे से कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ। और टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हो टेम्परेचर अभी भी 33.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और स्टोरेज वगैरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 6GB 128GB वेरियंट है, और इसका रैम भी काफ़ी अच्छे से है, मतलब आप देख सकते हो रैम मैनेजमेंट तो ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं इसके स्पीकर की बात करूं तो मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं ऑडियो, जिसमें कि आप ये देख सकते हो कि इसकी जो क्वालिटी है ऑडियो की वो कैसी है। मैक्स वॉल्यूम कर देता हूं मैं, इसका जो स्पीकर है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, भले इसमें आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। बाकी अगर मैं इसके माइक्रोफोन की बात करूँ, माइक्रोफोन भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, जैसे आप कॉल करते हो किसी को या फिर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो उसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। फ़ोन का स्पीकर भी ठीक है, माइक्रोफोन भी ठीक है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम देखने को ये मिली कि इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो उतना अच्छे से काम नहीं करता है। बाकी तो डिस्प्ले आप देख ही सकते हो, डिस्प्ले की डेंसिटी थोड़ी सी और होती तो फ़ोन काफ़ी अच्छा हो सकता था। बाकी परफॉर्मेंस के मामले में फ़ोन दिक्कत वाली बात नहीं है, फ़ोन काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर आप लेना चाहते हो, 23,000 का आपके पास बजट है और आप सैमसंग लवर हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप सैमसंग लवर हो तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर आप सैमसंग लवर नहीं हो, आपको अच्छा फ़ोन चाहिए जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता हो हर मामले में, चाहे आप गेमिंग यूज़ करते हो, कैमरा यूज़ करते हो, हर मामले में, तो आप थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ करके दूसरा फ़ोन ले सकते हो। ये भी फ़ोन ख़राब नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये फ़ोन ख़राब है, आपके यूजेस के बेसिस पर ये डिपेंड करता है कैसा आपका यूजेस है। बाकी अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है फ़ोन में, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं आपको फुल डिटेल गेमिंग रिव्यू आपको इसमें बना के दिखा दूंगा, जिसमें मैं आपको पबजी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में, आपको पबजी का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फ़ोन के साथ में मेरा, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ये तो बात हो गई फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस की। अब मैं अगर इसके कैमरा की बात करूं तो इसमें आपको 4 कैमरा सेटअप मिलता है, 64, 12+5+5, यानी कि इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 12 मेगापिक्सल का मिलता है। 64 मेगापिक्सल का इसमें आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें कि आपको सोनी IMX682 का सेंसर भी लगा हुआ है। सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और ये मतलब काफ़ी अच्छे से काम भी करता है, चाहे आप जिस भी मोड में कैमरा का यूज़ करते हो। लेकिन इसके लिए मैं आपको डिटेल में इसका कैमरा रिव्यू भी बना के दिखा दूंगा, जिसमें कि आपको हर एक मोड में आपको मैं कैमरा की सैंपल्स भी दिखाऊंगा और वीडियोस भी आपको दिखा दूंगा। बाकी तो आप अगर मैं इस टाइम पे बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसके कैमरा सैंपल्स की इमेजेस कैसी हैं। हर एक मोड में फ़ोन काफ़ी अच्छे से काम करता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैमरा अगर आप 23,000 के बजट में देख रहे हो, सैमसंग का देख रहे हो, तो ये फ़ोन ठीक रहेगा। थोड़ा सा येलोइश टोन में फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा कैमरा है। अगर मैं इस फ़ोन के ओवरऑल रिव्यू की बात करूं कि फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले ठीक है, एवरेज है, क्योंकि भले ही आपको इसमें सुपर एमोलेड मिलता है, लेकिन डेंसिटी और इसकी जो ब्राइटनेस मैक्सिमम है वो थोड़ी सी और अगर इंक्रीज़ होती तो इस फ़ोन को और भी अच्छा बना देती। बाकी परफॉर्मेंस के मामले में फ़ोन डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ले सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके पास 23,000 से 24,000 का बजट है, तो क्या आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 लेना चाहिए या फिर नहीं? सबसे पहले अगर आप सैमसंग लवर हो, यानी कि आपको सैमसंग के ही फ़ोन्स चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन के साथ जा सकते हो। दूसरा, अगर आप मतलब सैमसंग के लवर नहीं हो, आपको अच्छे फ़ोन चाहिए, आपके पास बजट थोड़ा सा और है, तो आप इसको छोड़कर कोई और भी फ़ोन्स ले सकते हो, जैसे कि मार्केट में IQ03 वगैरह है, OnePlus Nord भी है, तो आप देख सकते हो अगर आपके पास बजट है तो। दोस्तों, शुरू में मैंने आपको एक गिव अवे की बात की थी, गिव अवे की बात नहीं की थी, एक सरप्राइज़ की बात की थी।
तो सरप्राइज ये है कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, आपके लिए मैं एक गिव अवे लेके आने वाला हूँ, जिसमें कि आप में से कोई एक लकी विनर उस चीज़ को जीत सकता है। वो चीज़ क्या होगी वो आपको 1000 सब्सक्राइबर वाले वीडियो में ज़रूर पता चल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना तो होता ही है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।